Weißt du, was kommt mit der पशुपतिनाथ को अति महत्व वहाँकै कृपा छ भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। पशुपतिनाथ को कृपा छ भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। वहाँ को कृपा भएन भने यो मानव तौन कहीं पनि पुग्न सक्दैन। पशुपतिनाथ के दर्शन करने से कितनों कुकर्मी से कुकर्मी होगा तो उसको पशु चोला में नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए लोग पशुपतिनाथ आता है। शिवरात्रि को भगवान को भजन करने, जागरण करने, वहाँ को तपस्या करने, अपनो ज्ञान को मुक्ति पाने, यही तो शिवरात्रि में भोलेनाथ की कृपा। कि नेपाल में भगवान प्रकट हुए तो बहुत दूर है नेपाल, फिर भी हिम्मत बांध के नंगे पैर बुला लिया बाबा पशुपतिनाथ चले जाते। पहले बहुत नागा लोग यहाँ रहते रहे, सब चले चले गए, कोई नागा पुराने दिखाई नहीं दे रहे। पुराने जो है तो कुछ चले चले गए और कुछ लुप्त हो गए। बाबा भएको 8 वर्ष जति भयो। किन बाबा? मेरो पत्नीलाई स्वर्गवासी भइहालो अनि छोराहरूलाई सबै धन सम्पत्ति जिम्मा लगाइहालो, छोरा बुहारलाई लु गरेर खाऊ भनेर, अनि आफू चाहिँ भगवानको भजनमा केही मुक्ति पाउँछ भनेर ध्यान धर्ममा लागेको। अनि कहाँ जानुभयो त अहिले चाहिँ तीर्थ? तीर्थ वृन्दावन गयो, वैष्णव माता गयो, वृन्दावन 84 प्रकारमा गऱ्यो, अयोध्याको रामघाट लक्ष्मण घाटमा एम किसाल उद्घाटनमा त्यहाँ बस्यो, अयोध्या लङ्का नै गया है, हनुमानजी अयोध्या गयो, उहाँबाट घर आयो। घर भएपछि आफ्नो छोराहरूले पनि यज्ञ राखेर पूजा लगाए, पूजा लगाएर हनुमानजीको पूजा भयो, धर्म गर्यो। यत्रो तीर्थ घुमेर आउनुभयो होइन, सबै तीर्थ घुम्दाखेरि पशुपतिनाथको कस्तो महत्व छ? पशुपतिनाथको त अति महत्व छ, उहाँकै कृपा छ भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। पशुपतिनाथको कृपा छ भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। उहाँको कृपा भएन भने यो मानव त कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। पशुपतिनाथको कृपा छ भने त्यो मानव जे पनि सोचेको आफ्नो इच्छा पूर्ति हुन सक्छ। पशुपतिनाथको कृपा भएन भने ऊ मानवले उहाँमाथि विश्वास गरेन भने उनको कहिले पनि शरण पाउँदैन। अब शिवरात्रिको के महत्व छ? शिवरात्रिको भगवानको भजन गर्ने, जागरण गर्ने, उहाँको तपस्या गर्ने, आफ्नो ज्ञानको मुक्ति पाउने, यही हो त शिवरात्रिमा भोलेनाथको कृपा। शिवरात्रिमा चाहिँ जस्तो भोलेनाथ यहाँ मेला लाग्छ होइन, यसको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ, अलिकति बताइदिनु। यसको बारेमा त उहाँको तपस्या गर्दा पुन प्रताप हुँदाखेरि अरू कहीँ जाँदाखेरि आफ्नो भाव भवन दर्शन हुन्छ, गङ्गाको स्नान हुन्छ, साधु सन्तको भनेको स्नान हो, राम नामको नदी हो, यही हो। राम नामको नदीमा नुहाइसकेपछि, साधु सन्तमा बास लिइसकेपछि आफ्नो केही जाने दिनमा यो तन छोडेर मन जाँदाखेरि कि उहाँ पनि स्वर्गमै भगवान्सित दरस परस यस्तै गफसफ भएर बस्नु पाउँछ कि भनेर सबै मानवहरू मुक्तिको बाटोमा लागेको हो। शिवरात्रिमा आउने भक्तहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले उहाँहरूलाई त भक्तजन आउनेहरूलाई त यही सन्देश दिन्छु कि जति मानव तन छ सबैले शिव भगवान्को भाव लिएर जहाँ जाँदा पनि उहाँको दर्शन गरेर आरती दिएर होइन भावले भवन बनोस्, मनुष्य तन जैसे आनन्दमा लिउन् भनेर यही त छ नि। नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारलाई त यही भन्छु कि नेपाल सरकार आइए होइन, आइए देश चलाइए, यही त हो नि। तपाईँहरूलाई कस्तो खालको व्यवस्था गरिदियोस्? हामीहरूको लागि जो कि शिवरात्रिमा मठ मन्दिरमा आएको भक्तजनलाई होइन केको दुःख पीडा नहोस्, होइन आनन्दले बसोस्, होइन सेवा होस्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा शिवरात्रि भइसकेपछि सबैजना जाउन् होइन। जय जया शिवरात्रि, भोलेनाथको कृपा।
है वहाँ सब जहाँ जहाँ जान पुग्ने वहाँ कृपा करें पुर्याई जय भोले। पशुपतिनाथ के दर्शन करने से कितनों कुकर्मी से कुकर्मी होगा तो उसको पशु चोला में नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए लोग पशुपतिनाथ आता है। आप इतना दूर से आए अयोध्या से, ये यह आने का महत्व? हाँ, यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर आने। क्या क्या होता है शिवरात्रि में, थोड़ा बता दीजिए, आप लोग क्या क्या करते हैं यहाँ? शिव का विवाह होता है, चंद्रह के उद्घाटन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से होता है। और शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिवरात्रि आप क्या समझते हैं? नेपाल का जो काठमांडू का है पशुपतिनाथ में शिवरात्रि होता है। हाँ, वो तो दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन होता है, देख देख जुलूस तुलूस होता है धूमधाम से। आप कैसे, आप ये बाबा कैसे बने? देखिए बाबा, बाबा तो अपना अपना विवेक होता है बनने का, जिसको आस्था धर्म से जुड़ा रहता है तो वो बाबा बन जाता है, जिसको नहीं जुड़ा रहता है तो वो अपना ऐसे घूमता फिरता रहता है। और नेपाल के विषय में क्या कहेंगे आप? नेपाल में तो अच्छा सेवा है, जहाँ तक जो सेवा नेपाल सरकार से बन पाता है करता है यात्री सबको, और क्या नेपाल के बारे में हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्था क्या है आपको सोने खाने पीने का, कैसा क्या? हाँ, खाने पीने का तो लंगर है, देखते हैं। सोने को देख, सोने को तो जगह मिल ही जाता है। उधर से थोड़ा ठंड हो गया यहाँ पे तो आपको थोड़ा वो लगेगा। हाँ तो ठंडा है तो ठंड धुना पानी मिल जाता है तो ठंडा का फर्क नहीं पड़ता है। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो शिवरात्रि में आते हैं? भक्तों भी श्रद्धालु भी आते हैं, बहुत तरह के धूमधाम से दान दक्षिणा भी देते हैं साधु संत को, जहाँ तक जिसको बन पाता है। हर बार आते हैं दर्शन करने आते हैं, भगवान यहाँ प्रगट हुए हैं, स्वयं प्रगट हुए हैं, भगवान यहाँ प्रगट हुए हैं, सब देवी देवता यहाँ पर आ गए, बागमती आ गई, फार फूल के पहाड़ पर बन। यहाँ आने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है? यहाँ आने से आत्मा का दिल, आत्मा परमात्मा के यहाँ चला जाता है, सब चिंते खत्म हो जाते हैं। बाबा पशुपति रहते, भोजन प्रसाद सब बैठे बैठे देता है, यहाँ कोई चीज़ का परेशानी नहीं रहता, जो परेशानी रहता है यहाँ के साहब लोग खुद देख लेते हैं। शिवरात्रि क्या है आपके विचार में? शिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, उसी मंदिर में रहते हैं, ऐसे हवा बन के कहीं भी घूमे, बल्कि जहाँ पारस पत्थर बना है वहीं चले जाते हैं। शिवरात्रि के दिन बंद नाक से सबको देख लेते हैं, जो जैसा करता है समय आने पर उसको वैसा मिलता। हमारा दूसरा जन्म हुआ तो हमने भगवान को बहुत खोजा, काशी में रहते हैं, बल्कि हमको किसी ने साधु ने बताया कि नेपाल में भगवान प्रकट हुए हैं, तो बहुत दूर है नेपाल, फिर भी हिम्मत बांध के नंगे पैर बुला लिया, बाबा पशुपतिनाथ चले जाते हैं। पैसा लगता है 2,000-3,000 रुपये हम लोगों का लगता है इंडिया पैसा, बल्कि हम लोग चले जाते हैं, बस का किराया। कितना साल से? हम आते जाते हैं, हो गया हमको 10 साल। फर्क का देख रहे, ठीके है, सब आते हैं, सब साधु लोग आते हैं, पहले बहुत नागा लोग यहाँ रहते रहे, सब चले चले गए, कोई नागा पुराने दिखाई नहीं दे रहे, पुराने जो है तो कुछ चले चले गए और कुछ लुप्त हो गए। राजा तो मर गए, नेपाल सरकार मेरा बाबा पशुपतिनाथ है, उसी के नाम से आते जाते हैं, तब जिंदा, हर आदमी जिंदा है उसी के भरोसे। जब पशुपतिनाथ आत्मा में बागमती हवा बन के घुसती है ना, तब ब्रेंड इंसान को ठीक हो जाता, ज्ञान बुद्धि आता। अब भक्तों को क्या कहेंगे आप जो पशुपतिनाथ शिवरात्रि में आएंगे ना, उनको क्या कहेंगे, आपका क्या कहना? अरे वो सबको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाए पूतो फलो खुश रहो, फिर आएंगे तुम्हारे देश में।